नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। उज्जैन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों की जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के पदाधिकारियों से चर्चा की तथा उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किए गए सहयोग का अभूतपूर्व योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना यद्यपि नियंत्रण में आया है, किंतु अब आने वाले समय में हमें तीसरी लहर को रोकना है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में उज्जैन एनआईसी से उज्जैन जिले के कोविड प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला, एडीएम नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, अपर कलेक्टर अभिप्रसाद एवं एसएस रावत, विवेक जोशी, बहादुर सिंह बोरमुंडला भी शामिल हुए तथा प्रभारी मंत्री, सांसद व विधायक ने मुख्यमंत्री से चर्चा भी की। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री चौहान से आग्रह किया कि जब रेस्टोरेंट्स 50% क्षमता से संचालित किए जा रहे हैं तो मैरिज गार्डन को भी इसी तरह की अनुमति दी जाना चाहिए। सांसद अनिल फिरोजिया ने मुख्यमंत्री से कहा कि उज्जैन जिले में हमने यह तय कर लिया है कि जो भी व्यापारी दुकान खोलेंगे वे सभी आगामी 7 दिनों में वैक्सीनेशन करवाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। विधायक पारस जैन ने कहा कि वैवाहिक आयोजनों के लिए वर एवं वधु पक्ष को 100-100 व्यक्तियों की अनुमति प्रदान की जाए। कोरोना संक्रमित कर्मचारी की मृत्यु पर कर्मचारी परिजन को निवास की जगह पर ही अनुकंपा नियुक्ति मिले। हमने यहाँ पे जो लॉकडाउन करा है उसमें ये शर्त रखी है कि जितने व्यापारी और उनके साथ जो कर्मचारी है 18 प्लस के भी, उनको वैक्सीनेशन लगाना अनिवार्य होगा। उनके लिए हमने सेंटर भी खोले अलग से, अगर वो नहीं लगाते हैं तो हम उनको ऊपर चालानी कार्रवाई या दूसरी कार्रवाई करेंगे। तो मेरा आपसे भी जोड़ के और पाँव भी पड़ रहा है कि भैया वैक्सीनेशन लगाओ, आपको वैक्सीनेशन करो, और अगर आपको डर लगता है तो हम रात को यहाँ रुकने को तैयार है कि कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत करो, हम आपको इसमें यहाँ से जो उज्जैन से डिमांड गई है वो जल्दी से पूरे प्रदेश के जिला स्तरीय समस्त क्राइसिस मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन समिति की बैठक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें उनने अभी तक के कोविड में किए गए समस्त उपायों के बारे में, उपचार के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में, नियंत्रण और विश्व के परिदृश्य में मध्य प्रदेश, भारत और इन सब की स्थिति का समीक्षा का विस्तार से एक छोटी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करवाई अधिकारी के माध्यम से, और उन्होंने भी इस पर विस्तार से अपनी बात रखी। फिर उनका सुझाव था कि इसमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, कैसे काम का ध्यान रखना है। एक सुझाव मैंने ज़रूर दिया है, माननीय हमारे साथ सांसद जी और विधायक जी भी थे। हमने कहा दो बातें हैं कि एक तो हमारे पास में वैक्सीनेशन वाला जो पार्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना टीकाकरण बढ़ेगा उतनी जान की सुरक्षा उसमें निहित है। उसी प्रकार से दूसरा महत्व का विषय है कि उज्जैन में बड़ी बड़ी होटलें हैं, बड़ी होटल को 50% क्षमता से चलाने के लिए कहा गया है, अर्थात 100 से ज़्यादा लोग बैठते तो 50 से ज़्यादा अंदर बैठ जाते हैं। उसी होटल के कैंपस में अगर शादी होती है तो शादी में 10 लोग और होटल में बिठाने की क्षमता 50% तो ये कंट्रोवर्शियल व्यवस्था है। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसी जो जगह जहाँ पर पर्याप्त रूप से लोग बैठ कर भोजन कर सकते हैं, एक आर्डर विधिवत अगर निकलता है तो इसका लाभ सबको मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी उन्हें आने वाले समय में जब हमारी कल भी कैबिनेट की बैठक होगी, आगे निर्णय करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन तब तक जब तक सरकार का नियम नहीं आ जाता, निर्देश नहीं बनते, तब तक तो हमको वर्तमान गाइडलाइन से ही रहना चाहिए। मैं अपनी ओर से उज्जैन के अंदर आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जो अभी अनलॉक हमारा उज्जैन हुआ है, कल से वापस फिर खुलेगा, तो आवश्यक निर्देश का पालन करें। सायंकाल 7 बजे तक हर हालत में अपना बाज़ार बंद करना है। जिनको भी छूट दे गई उनका लाभ हम सब रखें, लेकिन जिनको नहीं मिली जैसे कोचिंग क्लासेज, स्कूल, कॉलेज या शादी वाले, इनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, बहुत जल्दी इनके बारे में कोई निर्णय आएगा। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से रूपेश तिवारी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।